क्या होगा अगर हेयर ग्रोथ के लिए कोई एक साल तक हर दिन डर्मा रोलर करेगा। फायदा यह होगा कि डर्मा के साथ जो आप मेडिसिन यूज करेंगे उसका रिजल्ट बेटर आएगा, लेकिन इसे कुछ खतरनाक साइड इफेक्ट भी है। हर बार डर्मा रोलर करने से स्काल्प से कुछ वाटर लॉस होता है और इस वाटर लॉस के कारण 15 दिनों में डैंड्रफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार डर्मा रोलर करने के बाद स्किन को हील होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, लेकिन आप तो डर्मा रोलर हर दिन कर रहे हैं तो स्किन अच्छे से हील ही नहीं होगा और धीरे धीरे पतला होने लगेगा। इसके कारण जो बाल आएंगे वो छोटे रह जाएंगे, बड़े नहीं होंगे। एक साल के बाद आपका स्किन अच्छे से हील नहीं होने के कारण स्किन कमजोर हो जाएगा और उसके घाव भरने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी और डर्मा रोलर करने पर जो घाव बनेगा वो जल्दी नहीं भरेगा। सॉल्यूशन क्या है? 0.51 या 1.5 mm का डर्मा 10 से 15 दिन में सिर्फ एक बार करें। अगर आपका पर्पस सिर्फ मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है तो हमेशा 0.3 साइज से कम का डर्मा ही यूज करें, वो भी मैक्सिमम हफ्ते में 2 बार। लंबे समय तक डर्मा आपको हमेशा के लिए गंजा बना सकता है। ये हेयर का बेस्ट चैनल है। अच्छे हेयर चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।